खाला के आगे मेरा बेटा ढाल बनकर खड़ा है ना, ये जंग तो मुझे उसके पहलू में खंजर घोंप के जीतनी होगी, जड़ें काटनी होगी। और कौन कौन रहता है इस घर में? मैं और बस मेरे पेरेंट्स। क्या बक रही हो, कोई क्लास फेलो होगा? वाह जी, आज से पहले तो ना आया कोई क्लास फेलो। और सुनिए, चची ने मुझे धक्के मार के कमरे से बाहर निकाले। अब बोले, साफ साफ बोलो कि अभी मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। फिलहाल इस फूल से काम चला लो। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा तू वो सिला है। वालेकुम सलाम, आप खैरियत से पहुंच गए थे उस दिन? जी जी, मैं पहुंच गया था। असल में मैं काफ़ी देर से आपको ढूंढ रहा था और आप यहाँ थे। मुझे ढूंढ रहे थे? खैरियत, काम है? नहीं, कोई काम तो नहीं था वैसे ही। अच्छा, मैं भी अपने लिए कुछ लेकर आता हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। नहीं नहीं, मैं इजाज़त चाहूँगी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आई विल सी यू अराउंड। ये तो बहुत तोता चशम निकले। मैंने अपनी हड्डियां तुड़वा ली और ये मजे से बाइक कहकर चलती बनी। लेकिन हैरत क्या, कौन तो एक ही है, दोनों का बेमुरव्वत धोखेबाज। सलाम अम्मा। सलाम अलैकुम बाबू। वालेकुम सलाम अम्मा। मैं ना ना, रहने दे, तेरा हाथ दुख जाएगा। उठ जाऊंगी मैं खुद ही। क्या हुआ, लगता है रिश्ता पसंद नहीं आया? पसंद तो आया, लेकिन लेकिन के आगे कोई बात बनती तो है नहीं, लेकिन फिर भी चल बता दे। अम्मा, वो सोफिया को खानदान बहुत बड़ा लगा। क्यों, क्या खराबी खानदान में? खराबी की तो बात नहीं है, बस बहुत बड़ा खानदान था, जॉइंट फैमिली सिस्टम। अरे वो तो हमारा भी है माशाल्लाह से, ये कौन सा ऐप निकाला तुमने? वो हमारे तो गिनती के चार लोग हैं, उधर सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, और फिर उनकी ब्याही हुई बेटी अपने चार बच्चों के साथ वहाँ रहती है, क्योंकि उसका मियाँ दुबई में है। वो हजार गज के बंगले में पोल्ट्री फार्म की तरह भरे हुए हैं। तो ये कि जमीन को तो आदत नहीं है इतने लोगों में रहने की। इतना शोर शराबा, वो तो पढ़ने लिखने वाली लड़की है और उनकी बहुएं इतनी इतनी बड़ी देचकियां जड़ा के बस सालन भून रही थी। तो मेरी बेटी से भी यही तवक्को रखेंगे ना? मुझे नहीं देनी इतने बड़े खानदान में अपनी लड़की। फिर हो गया रिश्ता बीबी, गमले में नहीं उगते लड़के कि जिनका आगे पीछे कुछ हो ही ना। पप्पू, मैं ऐसे ही नहीं कह रही, लेकिन छोटा खानदान होना चाहिए। आला, क्या कर रही हो यार, संडे सोने दो। जी नहीं, संडे और हमने सेटिंग करनी है, बहुत काम है, उठो हमजा। क्या आला, प्लीज यार सोने दो यार, मत करो हमजा, उठो, अभी बहुत काम करना है आज। तुम जैसे लोगों के लिए कहा था कायदे आजम ने कि काम नौजवान की मौत है। Yeah।
ऐसा उसने ये कहा था? आज बड़ी नई लग रही हो, क्या बात है? बैठो। नहीं तो मैंने तो सबसे पुराना सूट निकाल कर पहना। लेकिन कुछ तो है जो नया है। नया शायद एहसास है। अब मैं हाला नफीस की जगह हाला हमजा बनकर दुनिया को देख रही हूँ। अरे हाला नफीस और हाला हमजा में क्या फर्क है? हाला नफीस एक बहुत ही बेचारी सी लड़की थी और हाला हमजा एक बाइख्तियार बाएतमाद लड़की है। हमजा तुमने मुझे बातों में ही लगा दिया, कितने काम करने हैं? एक काम करो। हाँ बताओ। जाओ मम्मी को बता के हम क्या कर रहे हैं। मैं? हाँ तो उन्हें अच्छा लगेगा। और तुम ही ने तो कहा है अभी कि हाला हमजा एक बाएतमाद लड़की है। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं बता देती हूँ। छोड़ना, क्या हुआ है? लॉटरी निकल आई है कोई? बैठे तो सही, मैं आपको बताऊं, आपकी भी लॉटरी निकल आई है। अरे मेरी? मेरी कौन सी लॉटरी? आपको पता है मैं क्या करने वाली हूँ? मैं इस घर की पूरी सेटिंग बदलने वाली हूँ, आपके भी कमरे की बदल दूंगी। ये कुर्सी ऐसे 10 साल से यहाँ पड़ी हुई है, जैसे दिल अजीब सा हो गया इसको देख देख। फिर आपको भी पता चलेगा कि मैं कितना अच्छा घर की सेटिंग बदल सकती हूँ। क्या करने लगी हो? मैं नहीं, वो मैं और हमजा घर की सेटिंग बदलने लगे हैं। किसकी इजाजत से? मैं आपको बताने ही आ रही थी। अच्छा, अभी कोई इतनी चीज तो तुम हुई नहीं कि मुझे इत्तला देने आ रही हो। तुम्हें मुझसे इजाजत लेनी है। लेकिन हमजा ने इजाजत दे दी है। मुझसे इजाजत, समझी? हमजा ने कहा है कि मैं कर सकती हूँ। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में एक तिनका भी नहीं हिलेगा। अच्छा बस ना, बस कर दे। हाला बेटा, जो तुम्हारा जी चाहता है ना वो तुम करो, ये तुम्हारा घर है, हमने तो अपनी जिंदगी गुजार ली है, इसको तो आदत है इस तरह से बोलने की। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ इस तरह? अम्मा वो आमिर का इंतकाल हो गया। या मेरे अल्लाह, आमिर का? हाय, इन्ना लिल्लाहि वइन्ना इलैहि राजिऊन। बस अब निकलने वाली बात कीजिए, 3 घंटे का सफर है हैदराबाद। हाय हाय, जवान मौत। अफसोस ही करते रहेंगे या उठेंगे भी अब? अच्छा मैं सामान रखती हूँ।
बाकी कल। नहीं उठो कल। हमजा उठो, अभी बहुत काम कर। नहीं हमजा उठो, चलो हमजा चलो। क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या हालत बनाई हुई है आप लोगों ने इस जगह की? क्या है, इतना अच्छा तो लग रहा सब कुछ। अम्मा ने देख लिया ना तो दिखा देंगे। ज़्यादा ये तीली लगाने की कोशिश मत करो। इधर आओ, हेल्प करो साथ। बस वो इधर रखना सर, चलो ना। जा गर्मा गर्म चाय। मैं चाय ही बनाने आ रही थी, तुमने क्यों बना दी? इससे क्या फर्क पड़ता? फर्क पड़ता है, अच्छा नहीं लगता। अच्छा मैं तो भूल ही गया था, मैं एक मस्जिद की लड़की का शौहर। मैं भी भूल गई थी कि मैं एक मगरबी आदमी की बीवी हूँ। और ये मगरबी आदमी एग्जैक्टली कैसा होता है? वो दोस्त जैसा होता है। दोस्त जैसा होता है? और मशरकी आदमी दोस्त जैसा नहीं होता? नहीं होता है, लेकिन वो हुक्म ज्यादा चलाता है। तो मैं हुक्म चलाऊं? चला लेते हैं। चाय पियो अभी के अभी। क्या है ये सब? मैं पूछ रही हूं क्या है ये सब? मैंने तुम्हें मना किया था, मेरी रखी हुई किसी चीज को नहीं छेड़ोगी तुम। अब आएगा मजा। क्या पूछ रही हो, तुमसे जवाब क्यों नहीं दे रही? मेरे घर से निकलते ही तुम इतनी शेर होगी कि तुमने। अम्मी क्या हो गया है? मैंने और हाला ने मिलकर किया है सब कुछ। अच्छा तो लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं तुमसे पूछ रही हूं। आ जाए अम्मा, आ जाए। अरे तो भाई, हम गलती से किसी और के घर में तो नहीं घुस आए? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने तो इसकी जूनी बदल दी। कैसा खिला खिला लग रहा है। ये किया किसने है? मैंने और भाला ने किया था। वाह भाई, बहुत खूब भाई, अच्छा लग रहा है। बस बेटा, इसी तरह से घर को सजाए रखना। तुम लोग ही तो हो जो इस घर की रोशनी हो ना, हमारा क्या है, टिमटिमाते हुए चराग हैं। आज बुझे कल बुझे। इस तरह की बातें ना किया करें अम्मा, अल्लाह आपको हमारे सर पे सलामत रखे। चलिए आइए, आप आराम कीजिए, थक गई हैं। आइए चलो, आ जाए आ जाए। हर चीज को वापस रखो, जैसे पहले थी उसी तरह। अच्छा, I'm sorry, मुझे आपसे पूछना चाहिए था, इजाजत लेनी चाहिए थी। अब हो गया अम्मी, रहने दें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, खुला खुला लग रहा है। आपको तो तुम नहीं करोगे? ठीक है, मैं खुद कर लेती हूँ। रूमी चलो मेरे साथ, चीजें वापस रखो। मैं कैसे ये सब अकेली करूंगी, इतना भारी है। रूमी मेरे साथ लगो। कर दूंगा मैं, जो चीज जहां थी वही रख दूंगा। चेंज कर लू पहले? असल काम तो इन्होंने अपने कमरे में किया, उसको भी देख लेती हूँ। ताईजान, ताईजान नहीं करें, मैंने बहुत मेहनत से किया ताईजान, ये नहीं उठाए मेरे बहुत ताईजान, ये हमजा ने दिया, मैंने बहुत बहुत शौक से रखा है। तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए मेरे बेटे का कमरा ही रह गया? बस चुप करो ताईजान। नहीं पीछे हटो ताईजान, ये मेरा भी कमरा है।
ताईजान मेरी सारी सेट की हुई चीजें उठा रही है। तुम मेरे बेटे से मेरी शिकायत लगा रही हो? ये मेरे बेटे का कमरा है, यहाँ क्या होगा मैं तय करूंगी। आप सही कह रही हैं अम्मी, तय करती थी अम्मी। अब ये आला का कमरा है, जो वो चाहेगी वही होगा इस कमरे में। और तुम हर छोटी छोटी बात पर रोना बंद करो। जब तुम्हें अपना घर बना कर दूंगा ना, तो जो दिल में आए वो करना। ओके? मैं कर रही हूं। हमारा घर, शौहर होने की हैसियत से घर तो बना ही सकता तुम्हारे लिए, बड़ा नहीं छोटा ही सही। ये रखो, जहां जहां रखी थी एग्जैक्टली वैसे ही रखो। रखो रखो। शफक, मैं डरता हूँ कि हमारे इस रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए, खास तौर पर खाला की। क्या क्या मतलब? खाला का नाम क्यों लिया तुमने? वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तुमने बहुत मासूम। सच मैं आपको बता नहीं सकती और झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा। लड़कियां तो आसानी से झूठ बोल लेती हैं। रियली? समीन जली सहमत उन लड़कियों से काफी मुख्तलिफ है। बताओ फिर। ताईजान को बताया? नहीं तो? तुम्हें बता दिया काफी नहीं है? हाँ। खैर, अगर नहीं कर सकती हो तो बता दो, मैं बाहर से बंदोबस्त तो कर ही लूंगा। अरे वाह, क्यों नहीं, मैं सब कर सकती हूँ। थैंक यू। आला, फॉरेन डेलीगेशन है, उनको घर का खाना खाना है। श्योर ना तुम ये सब बना लोगी? हाँ, मुझे सब बनाना आता है। जो ताईजान को खाना बनाना आता है मुझे वो भी आता है, और पुराना वाला जो वो दादी बनाती थी ना, मकई की रोटी, सरसों का साग, दम कीमा, सारा सब आता है। इनमें से कोई दो चार चीजें बना लेना, बस घर की फील आनी चाहिए। और अगर कुछ चाहिए हो तो मैं ऑफिस के ड्राइवर को कह दूंगा, उससे मंगवा लेना। ओके? हाँ श्योर। Thank you. ये मैंने गोश्त धो दिया है, इसकी यखनी चढ़ा दो। जी। क्या हो रहा है ये? दिमाग खराब है तुम्हारा? फॉरेन डेलीगेशन को ये
ये घास फूस खिलाओगी, ये तड़के भिगार। तुमसे किसने कहा था अपना दिमाग इस्तेमाल करो? है ताईजान, हमजा ने कहा था कि वो देसी खाना खाएंगे। ये अच्छी चीज मिल गई है तुम्हें, हमजा का नाम लेकर अपनी मनमानियां करने लगती हो। तुम जैसी जाहिल को क्या पता कि ऐसे मेहमानों को क्या खिलाना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। और तुम ये चिकन को अभी तुम गई नहीं, निकलो निकलो मैं कह रही हूँ। ताईजान मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरी बात तो सुन ले। दफा हो जाओ यहाँ से वरना फिर। सुन तो ले, हमजा ने बोला क्या था। अच्छा चलो निकलो 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 मैं कह रही हूँ। इसको लगाओ सिरका और काली मिर्च। चलो इसको सिरका और काली मैरिनेट करो। और ये सब्जी सारी छोटी छोटी काटनी है। और कौन सा हम दोस्त हैं, इत्तेफाकन मिलने वालों को पीछे थोड़ी लगाया जाता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना एहसान है तुम्हारा हम पर, तुम बिल्कुल पोस्ट नहीं करोगे, ये कार्ड मेरे हाथ में आके दोगे, समझे? इतनी मेहनत कर रहा है वो अपना बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश करने में, दिमाग खराब है उसका, मुल्क छोड़ के चला जाएगा। और रही हाला, तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बेटे को साथ ले जा सके। हाला मैंने तुम्हें कहा था यार, उन्होंने देसी खाना खाना है, घर का ये चाइनीज क्यों बनाया है? वो ताई जान ने कहा था कि उनको बनाना है, मुझे किचन से निकाल दिया था इन्होंने। मैंने खास कहा था तुम्हें। तो तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी ना। मैंने अपनी बीवी को बताया था। मैंने तुम्हें कहा था हाला ये बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट है मेरे लिए, एक काम कहा था तुम्हें। अच्छा मुझे बताओ कितनी देर में? रस्ते में यार, मैक्सिमम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अच्छा मैं कर लूंगी कुछ, मैंने यखनी पहले ही पुलाव के लिए चढ़ाई हुई थी, खीर भी बनी हुई है, शामी का मैं कर लूंगी। कितनी देर? बस 30 मिनट, सब हो जाएगा। अच्छा दम का कीमा मैं बना देती हूं। हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। चूल्हा भी कोई खाली नहीं, मैं किचन में हूँ, और मिलके करते हैं। आ जाओ, मैं आ रही हूँ। आज आपने मुझसे नफरत के चक्कर में हमजा की जिंदगी मुश्किल कर दी। रास्ते में इतने कांटे नहीं बिछाने चाहिए कि इंसान रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। हाला आ रही हूं। Very delicious food, हमजा। I have never had that much delicious food in my life. Hala. Hmm? Thank you very much. आज जो तुमने कर दिया ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता क्या खाना पकाया तुमने। Thank you की क्या बात है, खाना ही तो था। है, ये कोई आम आदमी का काम नहीं था, ये कोई प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस शेफ ही कर सकता है, आउट क्लास। शेफ का तो नहीं पता, लेकिन एक्सपीरियंस है। शुरू शुरू में ना, तब रूमी छोटी होती थी और समीन पढ़ाई करती रहती थी, तो ताईजान के साथ मैं ही किचन में सारा काम करवाती थी। पता ही नहीं चला कब सारा काम करना आ गया, सब कुछ बनाना आ गया। आ तो गया, और देखो काम भी आ गया आज।
इतने खुश गए ना वो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। That's exactly what they wanted. ये क्यों उठा लिया? मुझे बहुत जरूरी काम है यार, ऑफिस में कल डेडलाइन है। Need to do this. तो सुबह कर लेना। नहीं कर सकता ना, सुबह सबमिट कराना है। काश कर सकता होता। लेकिन तुम तो अभी बहुत थके हो, बाद में कर लेना। हाला क्या करूँ, मजबूरी है, करना पड़ेगा। अच्छा तुम थक गए होगे, मैं करती हूँ, मुझे हाला ना करो ना यार। नहीं मैं हेल्प करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे कर। हाला मेरी सुनो, मुझे 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 बता दो क्या करना है। मैं करना चाहती हूँ। टाइम लगेगा। प्लीज प्लीज तुम मुझे बताओ। अच्छा बता रहा हूँ, टाइप करना है ना यार, कर लो। हाँ मैं कर। अच्छा ये खोलो इधर। नहीं मुझे मुझे मुझे, मुझे करने दो। नहीं फाइल तो खोलने दो, मैं कर लूंगी। मुझे अच्छा मुझे खुद बताओ कौन सी फाइल। मैं मुझे हेलो। अच्छा अच्छा ये कुछ दबाओ। हाँ ये हाँ, अब इधर दबाओ कर सर। हाँ ओके नाउ टाइप टू 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 सॉरी दोबारा, माय बैड। रिस्पेक्टेड सर, respected sir, enter. This is to inform you. This is. हाला इस तरह सुबह हो जाएगी यार। नहीं मैं तेज कर ली, मैं तेज कर लेती हूँ। मेरी सुबह कर लूँ, मुझे बस मैं कर रही हूँ, मैं help करना चाहती हूँ। This is to inform you. Inform. ये तुम क्या हाला boss spelling में? अच्छा नहीं नहीं अच्छा मैं कर ली। हाला तुमने डिलीट कर दिया फाइल। हाला यार अब डिलीट कर दिया सारी फाइल यार। कह रहा हूं मैं तुम्हें, और डिले होगा काम करने दो, 5 मिनट लगने हैं मुझे यार। कोई बच्चों वाली जिद करने वाली बात है ये। अब रो क्यों रही हो? अच्छा आई एम सॉरी, I overreacted. काम का तुम्हारा नुकसान कर दी। नहीं कुछ इतना नहीं हुआ, थोड़ा सा। ताईजान ठीक कहती, कुछ भी नहीं आता मुझे, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, सही मेरा दिमाग ही खराब है। शाहजहां नापा की तो ऐसी की तैसी, हमजा ने सारा मेन्यू ही बदल डाला और जो कुछ आपा ने बनाया था वो किसी ने चखा भी नहीं। और ये हाला तो वो लड़की नहीं रही, पहले कहाँ इतनी हकलाती हुई और अब क्या। मम्मी आप हाला नामा लेके बैठ गई हैं। वैसे भी वो अब ताईजान के बेटे की जिंदगी की बराबर की हिस्सेदार है। मकाम जबान की लुटरत को दूर कर देता है। तुम ढूंढ क्या रही हो? सारा घर बिखेर कर रख दिया। मेरा यूनिवर्सिटी और लाइब्रेरी कार्ड पता नहीं यहीं पे था। तुम यहाँ पे टांग के रखती हो? बैग से निकलता तो टांगती ना। जी खुर्रम आप इस वक्त? आपको कॉल तो नहीं करना चाह रहा था मैं, लेकिन आपकी एक अमानत है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, अमानत? जी जी वो आपकी यूनिवर्सिटी का कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड। हाँ हाँ मैं है ये, आपको कहाँ से मिले? मैं सुबह पोस्ट करवा दूंगा। पोस्ट कर देंगे? पोस्ट क्यों करेंगे, आप मुझे बाय हैंड भी तो दे सकते हैं यूनिवर्सिटी में। नहीं नहीं समीन साहिबा, देखिए गरीब आदमी हो और वैसे भी कल जिस तरह का बिहेवियर था आपका मेरे साथ, उसके बाद तो मैं आपके सामने भी नहीं आना चाहता। बिहेवियर? आई एम सो सॉरी खुर्रम, असल में मैं उसे बहुत जल्दी में थी, मेरा मकसद आपसे रूड होना बिल्कुल भी नहीं था। नहीं नहीं इट्स रियली ओके। बहरहाल आपने कार्ड गलती से गिरा दिया था, मैं सुबह पोस्ट कर दूंगा। ओके बड़ी लापरवाह लड़की हो तुम। फोन मिलाओ उसे, मैं बात करती हूं। फोन मिलाओ ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मैं समीन की अम्मी बोल रही हूँ सोफिया। बड़ी शर्मिंदा हूँ, समीन की तरफ से माजत करना चाहती हूँ।
जी वालेकुम अस्सलाम। आप क्यों, आप तो मेरी माँ की जगह हैं। प्लीज मुझे मुझे शर्मिंदा मत करें। और कौन सा हम दोस्त हैं, इत्तेफाकन मिलने वालों को पीछे थोड़ी लगाया जाता है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी क्या बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना एहसान है तुम्हारा हम पर, तुम बिल्कुल पोस्ट नहीं करोगे, ये कार्ड मेरे हाथ में आके दोगे, समझे? नहीं नहीं प्लीज। अभी तुम्हें तो कहा है मैं तुम्हारी माँ की जगह हूँ। अच्छा अच्छा चलें ठीक है, जब आप इतना कह रही हैं तो मैं आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। चीजें संभाल के रखा करो। आला एक तो तुम फौरन सेल्फ डाउट में चली जाती हो यार, ऐसा नहीं होता, हर बंदे की अपनी एक्सपर्टीज होती है ना। देखो आज जो तुमने काम किया वो मैं कर सकता हूँ, मर के नहीं कर सकता। तुमने किया ना, बस हर चीज हर एक को आना जरूरी थोड़ी है। एक काम कर लिया और दूसरा बिगाड़ दिया। कुछ नहीं बिगाड़ा, आई प्रॉमिस इट्स नथिंग। नहीं मुझे हर काम करना है, मैं चाहती हूँ कि मुझे सब कुछ करना आता हो। मैं और पढ़ना चाहती हूँ हमजा, मैं जितना तुमने पढ़ा मैं उतना पढ़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहती हूँ। मुझे ऐसी क्या खास बात है, एक आम इंसान हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा आम इंसान बनना है। हाला कमिंग टू दैट, तुम्हें पता है ना एजुकेशन इंसान के लिए कितनी अच्छी चीज है, अपने लिए। तुम अपनी स्टडीज कंप्लीट करना चाहोगी? आई विल सपोर्ट यू, आई प्रॉमिस। लेकिन उसकी तो फीस बहुत ज्यादा लगती है, ताया अबू नहीं दे पाएंगे। ताया अबू क्यों देंगे, मैं दूंगा, आई स्वेयर। और अगर अच्छा पढ़ोगी तो तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मैं लंदन या ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा। लंदन? डैड के पास पढ़ने के लिए? हाँ पढ़ने के लिए, मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ना चाहती हूँ। तुम भी मेरे साथ ऑक्सफोर्ड में पढ़ लेना, हम दोनों इकट्ठे पढ़ लेंगे, बहुत मजा आएगा ऑक्सफोर्ड। हाँ मैं वहां पे तुम्हें अपना अपना पुराना स्कूल दिखाऊंगी जहाँ पे मैं पढ़ती थी, और मैं तुम्हें वो पार्क भी दिखाऊंगी जहाँ हम खेला करते थे। हाँ जितना मुझे याद है मैं तुम्हें वो दिखा दूंगी। ये तो भाई को लंदन ले जाएगी, मैं अम्मी को बता। और डैड हमें देख के कितना हैरान हो जाएंगे, है ना? हाँ, और लेकिन अगर उन्होंने हमें अपने साथ नहीं रखा, उनकी उनकी अपनी भी फैमिली है ना। नेचुरली हम उनकी गली में घर ले लेंगे। उनकी गली में। अब क्या हो गया तुम्हें? हालत अभी तो हंस रही थी, अब क्यों रोना शुरू की हो? हाला डैड याद आ गए। ना मिस करती हूँ ना, मेरी जिंदगी चाहे जितनी भी खूबसूरत हो जाए हमसे, डैड का मुझे छोड़ के जाना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदसूरती है। इतने साल गुजर गए हैं, पता नहीं कैसे लगते होंगे अब। I know. मिल लेंगे ना ऑक्सफोर्ड।
औरतें तो दुआएं मांगती हैं कि बहू आए और चूल्हा चौखा संभाले और वो खुद आराम से बैठकर हुक्म चलाएं, पर ये शाहजहां है, इसकी तो मन तक ही निराली है। अच्छी भली हाला किचन में काम कर रही थी ना, उसको बाहर निकाला और खुद लग गई। बचपन से ही ऐसी जिद्दी और हर धर्म थी। अब उस दिन देखो, ऐसा अच्छा सजा सजाया घर और इसने आके बर्बाद कर दिया कि ये मेरा घर है। अभी कोई बंदा पूछे ये तेरा घर कहाँ से है, बाहर नाम की तख्ती तो मेरी लगी है ना। भाई अगर तेरा हक है तो फिर हाला का तो दोहरा हुआ ना, वो घर की बहू भी है और बेटी भी, सिया करे या सफेद करे ये उसकी मर्जी। अब ऐसे रिश्ते मजबूत होते हैं। अब देखो नफीस को कैसे रोजाना फोन करता है, और अगर कभी ना करे तो मेरा हमजा अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, वो बात करवा देता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो क्या कर रही है, तोड़ेगी क्या मुझे? जी जी अम्मा जी, आराम से। नफीस चाचू तो फिर भी साल 6 महीने में दादी को कॉल कर लेते थे हाला का हाल हवाल पूछने के लिए, लेकिन आप क्या करेंगे अम्मी, आप भाई से कैसे बात करेंगी? क्या नाप शनाप बक रही हो, मुझे क्या जरूरत है अपने बेटे से बात करने के लिए बहाने तलाशने की? जरूरत पड़ेगी ना जब लंदन चले जाएंगे वो। हमजा लंदन जा रहा है? हाला लेकर जा रही है। हाला? हमेशा हमेशा के लिए। क्या बक रही हो? वो अब वहीं पड़ेगी, वहीं रहेंगे दोनों हमेशा। अम्मी अम्मी कुछ करें, कुछ करें, वरना आप भी दादी की तरह फोन गोद में लेके बैठी रहेंगी और भाई चाचू की तरह खुद ही से लाइन में लाकर हेलो हेलो करके काट देंगे। दादी के तो 3 बेटे हैं, आपका तो सिर्फ एक ही है। कुछ करें ना अम्मी। ये नहीं हो सकता। क्या हुआ, अचानक क्यों जरूरत पड़ गई इन चीजों की? मेरी बीवी है अबू, मेरे पास होनी चाहिए चीजें, दस जगह जरूरत पड़ती है। अच्छा मैं देता हूं, बस एक ख्याल रखना भाई, चीजें संभाल के रखना, गुमानी नहीं है। और इसको इसी में रहने दो, इसी में संभाल के रखा हुआ है मैंने, इसमें पासपोर्ट भी है और आईडी कार्ड भी। थैंक यू। मैंने कहा था ना आपको, अब देख लीजिए अपनी आंखों से। अरे क्यों शोर मचा रही हो, क्या हुआ? क्या जरूरत थी उसे पासपोर्ट देने की, क्यों दिया आपने? हुआ क्या है? मैं आपको बताती हूँ, ये हाला जो है ना बिल्कुल लेके इंग्लैंड चली जाएगी, सारी बातें मम्मी नीचे खड़े होके सुन, और इनका तो हाल आपने देखा ही, अब हम क्या करेंगे मुझे बता, आपने पासपोर्ट दे दिया पकड़ा के। होश में हो तुम लोग? इतनी मेहनत कर रहा है वो अपना बिजनेस यहाँ एस्टैब्लिश करने में, दिमाग खराब है उसका, मुल्क छोड़ के चला जाएगा। और रही हाला, तो उसकी इतनी औकात नहीं है कि मेरे बेटे को साथ ले जा सके। तुम भी साथ मिल रही हो उसके? वो आपको नहीं पता,